good morning beta and welcome back on the online classes and as you know first term has completed and today we are going to start your second term and i have sent you the syllabus of second term so according to your syllabus today we are going to start your chapter number third it's very easy name of chapter is decimal here is a first exercise एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन एंड सम नंबर फर्स्ट राइट इज ऑफ द फॉल्विंग स्टेटमेंट्स इन डेसीमल फॉर्म एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर वी हैव एट ओवर हंड्रेड इट्स वेरी इजी एंड यू नो हाउ कैन वी रिप्लेस इन द डेसीमल फॉर्म जितनी जीरो होती हैं उतने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं देखो हमारे पास नीचे टू जीरोज हैं और ऊपर वन ही डिजिट है वन नमेरिक वर्ड है इट मीन्स क्या करोगे एक आप जीरो ले लोगे अब ज़ीरो और एट टू बन गए और टू के बाद पॉइंट लगा दिया अब ये वाला नेक्स्ट वन अगर ऐसे होगा तो फर्स्टली फ्रैक्शंस को ठीक है पी ओवर के फॉर्म को चेंज कर लो डेसिमल फॉर्म में तो क्या हो जाएगा नाइन बाई टेन क्या बन जाएगा ज़ीरो पॉइंट नाइन एंड ये क्या बन जाएगा ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फोर और अब इनको ऐड जस्ट रफली मैं आपको ऐड करके बता रही हूँ कैसे करोगे ट्वेंटी पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट नाइन ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फ़ोर पॉइंट अगर पॉइंट नहीं है तो उसके जितने पॉइंट के पीछे जितने डिजिट होते हैं हम वो सिंपल बिना पॉइंट वाले में पॉइंट लगा के उसके पीछे उतनी ज़ीरो लगा लेते हैं सिमिलरली ये तो ऐड करने पे क्या आएगा यहाँ पे फोर नाइन पॉइंट ट्वेंटी पॉइंट नाइन्टी फोर ये हमारा आंसर क्या आ गया ट्वेंटी पॉइंट नाइन्टी फोर आंसर बन गया सिमिलरली आपने नेक्स्ट पार्ट कर लेना है अब सेकेंड में उन्होंने कहा है कन्वर्ट ऑफ फ्रैक्शन हमारे पास डेसिमल है इसको कहते हैं कन्वर्ट करो पहले फ्रैक्शन में एंड देन लोवस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होता है डेसिमल में जितने पॉइंट के बाद जितनी डिजिट हो उतने डिनोमिनेटर में उतना जीरोज आ जाती हैं अगर ज़ीरो हो ए वन हो तो टेन आता है डबल जीरोज़ हो टू जीरोज़ हैं तो हंड्रेड आता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर बाय हंड्रेड अब लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है कटिंग हो जाएगी कैसे फोर वन या फोर तो ये ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव या हंड्रेड तो लोवेस्ट नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया वन बाई ट्वेंटी फ़ाइव इसके आगे तो अब कटिंग नहीं होगी इट मीनस इट्स अ लोवेस्ट फॉर्म सिमिलरली हमने इसको चेंज किया क्या आ गया टू थर्टी फोर ओ हंड्रेड अब ये देखो हम टू के टेबल पे कटिंग कर सकते हैं टू वन या टू टू वन या टू एक बच गया जहाँ फोर्टीन बन गए टू सेवन और फोरटीन टू फाइव और टेन जीरो जीरो तो अब इसके आगे नहीं कटिंग होगी क्योंकि पीछे क्या आ गया प्राइम नंबर बन गया एक ठीक है ऑड नंबर आ रहा है तो नीचे जो है ज़ीरो है तो अब ये कटिंग नहीं होगी तो हमारा आंसर क्या आ गया वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव यहाँ तक हमारा आंसर बन गया ठीक और यो टू पार्ट आई है सॉल्व एम टू यू आर होमवर्क अब एक्सप्रेस फ्रैक्शन इज डेसीमल फ्रैक्शन दिए इसको डेसीमल में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन के अगर डिनोमिनेटर में टेन हंड्रेड हो तो हम उतना अगर टेन हो तो वन पॉइंट छोड़ के डेसीमल लगाते हैं अगर हंड्रेड हो तो टू पॉइंट छोड़ के डेसीमल लगाते हैं ये आपको अच्छे से पता है अब देखो ये तो ऐसे हो जाएगा ऑलरेडी अगर तो अगर ऐसे ही आ जाए मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाए तो टू वेज हैं एक तो आप मिक्स को पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लो कैसे करते हो फ्रैक्शन एट को ट्वेंटी फाइव के साथ किया कितना बन गया टू हंड्रेड प्लस वन कितना आ गया टू हंड्रेड बाई टू हंड्रेड वन बाई एट अब इसको मैंने क्या किया डिवाइड कर लिया तो मेरा आंसर क्या बन गया ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन टू फाइव सेकेंड वे क्या है इसको क्या करो ब्रेक डाउन कर लो ब्रेक डाउन करके जब ट्वेंटी फाइव को एज़ इट इज़ तो इनके बीच में साइन ब्रेक डाउन करोगे तो प्लस का साइन आ जाएगा अब वन बाई एट को पहले डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लो क्योंकि फ्रैक्शन है तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लो पहले डिवाइड कर कितना आ जाएगा डेसिमल डिवाइड करने पर ज़ीरो पॉइंट वन टू फाइव अब ट्वेंटी फ़ाइव के बीच में प्लस किया जीरो पॉइंट वन ट्वेंटी फाइव तो आंसर के बन गया ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन टू फाइव दोनों में से आंसर सेम आएगा जिस जो भी आपको ईजी लगता है उसी अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं नेक्स्ट एडिशन के हैं हमारे पास चार डेसिमल नंबर्स दिए हैं आप चाहो तो ऐसे बीच में प्लस का साइन डालकर डेसिम सीधा आंसर लिख लो और अगर प्रॉपर करना है तो उनको सबको इस फॉर्म में लिख कर एड कर लो ठीक है मैंने लिख दिया अब फोर और वन क्या बन गए थ्री एट और टू टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन वन इधर चला गया नाइन टेन फाइव फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन और एक एटीन वन यहाँ चले गया सिक्स और फोर कितने हो गए टेन और थ्री थर्टीन और एक ये कितने बन गए फोर्टीन मेरे पास आंसर कितना आ गया 148.65. सिमिलरली अपने सेकेंड पार्ट कर लेना है जब हमारे पास फाइंड द वैल्यू लिखा हुआ है और बीच में माइनस का साइन है इट मीन्स ये इस तरह से ये तो इजी है आपको पता ही है कि माइनस कर कैसे करते हैं ठीक 9.756 में से क्या माइनस हो जाएगा 6.28। अब देखो फर्स्ट के पॉइंट के बाद तीन डिजिट है और इसके दो हैं अगर तीन हमने बनाने हैं तो क्या कर लेंगे ज़ीरो लाल का लेंगे सिक्स में से ज़ीरो गया तो कितना आ जाएगा सिक्स ही आ जाएगा और फिफ्टीन में से एट गए तो फिफ्टीन में से अब फाइव में से जान इससे यहाँ से हांसल ले लिया इस यहाँ से लिया है तो कितना बन गया फिफ्टीन फिफ्टीन में से एट गए तो कितना आ जाएगा सेवन कितने रह गए यहाँ पर सिक्स सिक्स में से टू गए तो फोर नाइन में से सिक्स गए तो थ्री कितना आंसर आ गया थ्री पॉइंट फोर सेवन सिक्स ठीक है बेटा तो इस तरह से सीधे से आंसर क्या आ जाएगा थ्री पॉइंट फोर सेवन सिक्स अगर आपको इस तरह से लिखना है तो सीधा ऐसे लिख दो तो अगर आपने प्रॉपर सॉल्व करके करना है तो इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हो टेक आउट टेक आउट थ्री पॉइंट फाइव फोर सेवन फ्रॉम सेवन पॉइंट टू इट मीन्स फर्स्ट को हमने किसमें से आउट का क्या मतलब माइनस करना सब्ज्रेक्ट इसको हमने किस में से माइनस करें हैं सेवन पॉइंट टू से सेवन पॉइंट टू फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे सेवन पॉइंट टू माइनस थ्री पॉइंट फाइव सेवन फाइव सिमिलरली वहाँ पे जैसे करवाया था उसी तरह से हो जाएगा यहाँ पे कितने हो गए नाइन यहाँ पे टेन टेन में से सेवन गए थ्री नाइन में से फोर गए फाइव वन गया तो कितना है एलेवन में से फाइव गए कितना आ गया सिक्स यहाँ पे सिक्स है सिक्स में से थ्री गए थ्री पॉइंट सिक्स फाइव थ्री ये हमारे पास क्या आ गया थ्री पॉइंट सिक्स फाइव थ्री आंसर आ गया ठीक है नेक्स्ट हमारे पास सेवन्थ और एट थे। आपको है नाइन्थ टेंथ आपका होमवर्क है नाइन्थ इंक्रीज का मतलब प्लस होता है डिक्रीज का मतलब माइनस होता है सब्जेक्ट तो जिस तरह से सेवन और एट निकलेंगे उसी तरह से नाइन और टेन आप कर लेना वट इज़ टू बी एडेड थर्टी सिक्स पॉइंट एट फाइव टू गेट अपि नाइन पॉइंट फोर्टी वन कहते इसमें क्या ऐड करोगे सिमिलर हमने पिछले एक्सर टर्म में किए थे कि इस टर्म में वहाँ पे हमारे पास रैशनल नंबर था या कुछ ऐसे आते थे उसमें क्या ऐड करते हो तो क्या ये गेट कर लेते हो सिमिलरली हमने इसमें क्या ऐड करने ने एक्स ऐड कर लिया तो गेट क्या कर लिया फिफ्टी नाइन पॉइंट फोर्टी अब ये उधर चला जाएगा सॉल्व करने का मेथड तो यही है ना सेम वही उधर गया तो माइनस करके मेरे पास आंसर कितना आएगा ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव सिक्स आप सब्ट्रैक्शन मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं डेसिमल्स की आप चाहो तो रफली कर कर सकते हो अदरवाइज सॉल्व आंसर सॉल्व करने के लिए तो आपको रफली करनी ही पड़ेगी चाहो तो फेयर पे कर सकते हो नहीं तो रहने दो सो so, डायरेक्ट अगर तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी क्लियर है कि सब्ट्रैक्ट एडिशन का होता है तो इसमें से व, व, सेकेंड में से गेट वाले से वन नंबर को करते हैं तो आप सीधा भी ऐसे कर सकते हो फिफ्टी नाइन पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है और जब वो बोलेंगे कि सबट्रैक्ट क्या करें इसमें से सबट्रैक्ट क्या करोगे क्या मैंने क्या लिख लिया इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ माइनस एक्स कर रही हूँ तो गेट क्या कर रही हूँ ट्वेंटी पॉइंट फाइव वन अब पता है माइनस का है उधर जाके प्लस हो जाएगा यही क्राइटेरिया सेम प्रीवियस क्राइटेरिया वी विल यूज इट है एंड दिस विन टर्म शिफ्ट टू डेट साइड तो साइन क्या आएगा देन साइन विल ऑटोमेटिकली शिफ्ट इन माइनस फॉर्म ठीक है सेवनटीन पॉइंट वन माइनस क्या आएगा सेवनटीन पॉइंट वन में से क्या माइनस करना है टू पॉइंट ज़ीरो फाइव वन ठीक है अब हमारे पास इसमें तीन डिजिट है ऊपर एक है तो क्या करोगे यहाँ पे जीरो ले लोगे माइनस करना है अब यहाँ पर नाइन हो गई यहाँ पे टेन टेन में से वन गए नाइन नाइन में से फाइव के फोर यहाँ क्या बच गया ज़ीरो यहाँ पे कुछ नहीं बचा ज़ीरो रह गया तो ज़ीरो में से ज़ीरो ज़ीरो सेवन में से टू गए तो आ गया फाइव एंड वन ये मेरे पास आंसर आ गया और अगर ये कंप्लीट मेथड नहीं करना तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो इस तरह से अगर आपको अंडरस्टूड है कि ये कैसे हम कर रहे हैं तो सीधा सेवनटीन पॉइंट वन माइनस टू पॉइंट ज़ीरो फाइव वन तो आंसर क्या बन गया फिफ्टीन पॉइंट आफ्टर्स अट्रैक्शन ज़ीरो फोर नाइन ये आपका आंसर है ठीक है अगर आप प्रॉपर करेंगे तो इस तरह से होगा अगर आपको ऑलरेडी नाउ इट इज़ रिमाइंड इन यूर माइंड ऑलरेडी यू हैव टू गेट इट अबाउट अ मेथड दैन यू कैन डू डायरेक्टली लाइक इट सो अपू हेयर इट मीन्स योअर एक्सरसाइज एज कंप्लीटेड नो सम इज क्रॉस्ड ठीक है फुल एक्सरसाइज इन यूर सिलेबस वट एवर यू हैव डन यू नीड टू राइट डाउन एंड द लेफ्ट सम ऑल्सो यू हैव टू सॉल्व एंड नोट डाउन ऑन योर फेयर नोटबुक ओके बेटा नाइन्थ एंड टेंथ इज सिमिलर विद सेवेंथ एंड एट, ठीक है इंक्रीज मीन्स प्लस प्लस वाले के सिमिलर होगा डिक्रीज मीन्स माइनस तो इस तरह से होगा सो ओके बेटा थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे